अमेरिका के व्हाइट हाउस में चलती आ रही इफ्तार पार्टी के आयोजन की परंपरा का अंत हो गया है। पिछले कई सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब व्हाइट हाउस ने रमजान के दौरान इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने पूरे रमजान में एक भी इफ्तार पार्टी नहीं दी है। इससे पहले बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश और बराक ओबामा के कार्यकाल में हर साल इस परंपरा को निभाया जाता था। व्हाइट हाउस के अधिकारी महीनों पहले से इफ्तार पार्टी के आयोजन की तैयारियों में जुटे रहते हैं। 2017 में ये परंपरा टूट गई। 1805 में राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन के समय व्हाइट हाउस ने पहली बार रमजान में इफ्तार का आयोजन किया था, लेकिन साल 1996 से व्हाइट हाउस ने इफ्तार देने की सालाना परंपरा शुरू की थी और इसकी शुरुआत बिल क्लिंटन के कार्यकाल में हुई और उनकी पत्नी और पिछले चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार रही हिलेरी क्लिंटन ने ही सबसे पहले इसकी पहल की थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन ने कथित तौर पर पहले ही ये कह दिया था कि इस साल व्हाइट हाउस में इफ्तार दावत का आयोजन नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन धार्मिक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। दिसंबर 1805 में उन्होंने ट्यूनिशिया के राजदूत के लिए व्हाइट हाउस में इफ्तार दावत का आयोजन किया था। उस समय अमेरिका और ट्यूनिशिया के बीच संघर्ष चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद जेफरसन द्वारा दी गई इफ्तार पार्टी आज भी याद की जाती है। लेकिन कई सालों बाद ट्रंप ने इस परंपरा को समाप्त करते हुए इस बार इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं किया है। टीम इंडिलिंग्स।